हमें मोदी जी से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमने दिल्ली में आया, हमने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी देखी हैं, तो हमें मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 10 साल बेहतर हुआ है, बढ़िया से चला है देश, बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सारे ज्यादातर नॉन मुस्लिम ही है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके, बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। लगातार हम आपको 2024 इलेक्शन से पहले लोगों से जो हम बात करते हैं उनकी क्या राय है वो आपको बताते रहे हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाते रहे हैं। ऐसे में जो हमारी बहनें हैं वो यहाँ दिल्ली घूमने के लिए आई हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा जो है चल रहा है, ये लोग अभी इलेक्शन में किसके पक्ष में वोट करेंगे और कैसा माहौल है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका 99 खबर पर। आपका शुभ नाम? जिया। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी इलेक्शन होने वाला है 2024 में, प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री रहने चाहिए या बदलने चाहिए? देखिए, अगर मोदी जी आते हैं या जो भी आते हैं, हाँ, हमें अपने हक में बेहतर बंदा चाहिए जो हमारे हक में बेहतर फैसला कर सके जी, जो सच की साथ रह सके। हाँ, हमें ऐसा ही बंदा चाहिए, वो चाहे मोदी जी हो, वो चाहे कोई और हो, हमें मोदी जी से कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, हमने दिल्ली में आया, हमने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी देखी हैं, तो हमें मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी के शासनकाल का, क्या लग रहा है ये 10 साल बेहतर हुआ है, बढ़िया से चला है देश? बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। बस जो लोगों के दिलों में हेर फेर आई है, थोड़ी वहाँ कमी हुई है, बाकी है जो हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे हम रोड से आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हुई है जी, उसमें बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्या हेर फेर की जो बातें कह रही है बहन जी, वो क्या हेर फेर? वो जो दिलों में थोड़ी सी खटास आई है ना, नॉन मुस्लिम मुस्लिम जो हुआ है, बस इससे थोड़ा सा है। हाँ, वो भी लोगों की अपनी एक क्वालिटी होती है ना, किसी को अच्छा मान ले, किसी को बुरा मान ले, टीवी पे दिखता होगा, बाकी आपके घर के आपके पड़ोसी अगर हिंदू होंगे तो उनसे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं हरिद्वार में रहती हूँ और इतना अच्छा है ना वहाँ, अभी भी माशाल्लाह इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ, वहाँ ऐसा कोई वाद विवाद नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ रातों को कोई वाद विवाद है। वहाँ मैं इकली रहती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सारे ज्यादातर नॉन मुस्लिम ही है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके, बिल्कुल नहीं, कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो कहा जाता है, ये जो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम का ये देश है, ये सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, क्या सही में ऐसा है कि सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं? रह रहे हैं, ये सच है, वाकई रह रहे हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बहुत अच्छी है, वो आज भी अच्छा लेके चल रहे हैं। ये तो वही लोग हैं जो घटिया सोचते हैं, घटिया बोलते हैं, वो चाहे मोदी जी हो, अगर जो उनसे प्यार करता वो अच्छा ही बोलेगा, और जो उन्हें गलत समझता वो गलत ही बोलेगा। देखो, हमारे लिए वो गलत नहीं है, आपके लिए गलत नहीं, नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आप उन्हें ही देखना चाहते हैं, अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो ये 10 साल आपके हक में बेहतर रहा कि नहीं? रहा, बिल्कुल रहा, बहुत अच्छी चीजें रही है। तो इस बार मतलब जो है सो उनको ही प्रधानमंत्री चुनना है। हाँ, ये साथ में है आप इनके? जी, मैं इनके साथ में। अच्छा अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुआज अंसारी है। अच्छा, एक बात बताइए अंसारी जी कि जो माहौल है देश का, लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं उनको इस बार हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, आपकी क्या राय है अंसारी साहब? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है कि वो बने या कोई भी बने, अदरवाइज मतलब मोदी जी बने, योगी जी बन जाए, आप बन जाए, मैं बन जाऊँ, हमें से मतलब है रोजगार से, हाँ, खाने से, पहनने से, घूमना, फ्रीडम, सब कुछ ब्लॉक है। आज हम उस स्थिति पे खड़े हैं कि अभी भी डर के जी रहे हैं, डर के जी रहे कि मतलब कि खाने को है नहीं, जेब में पैसे है नहीं, जाएं या ना जाएं, ये सोच विचार से अगर हम चल रहे हैं, हाँ, तो हम तरक्की पे हैं या नीचे है, हाँ, तो डाउन टू अर्थ चल रहे हैं हम, तो घबराहट तो इस बात की है जब पैसे नहीं है, हाँ, रोजगार नहीं है, हाँ, खाने को नहीं है, तो बताइए क्या करेगा? तो मतलब फेस लाने के लिए हमें जो है नई जनरेशन को चुनना चाहिए, मेरे हिसाब से नई जनरेशन को चुनना चाहिए। नए जनरेशन के तौर पे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो आ रहे हैं, उनको पुरानी जनरेशन पे ही आ गया। नई जनरेशन का मतलब नया यूथ लेके आया जाए, पढ़ा लिखा लेके आया जाए, कोई नई सोच, वो तो पुराने नोट वाले गांधी वाले है, नया नोट लाए, एक और नया लाए, तीसरा नोट पे आए जब आए मजा। अच्छा, ये दूसरे उसमें भी बरकत नहीं थी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना? ना, ना ना ना, ऐसा नहीं है कि उनको भी देखना है, उनको नहीं देखना, हाँ, जिसके नोट में बरकत हो मैं उसकी शक्ल देखनी है, हाँ, जिसके उसमें मजा है सरकार में, जिसके उसमें मन चाचा जी पाए, रोड पे यहाँ पे मजा ले पाए, रात को फ्रीडम नहीं मिल रही हमें ना, फैमिली के साथ आ सकते, हर फ्रीडम नहीं मिल रहा है सर, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हर लोगों से, कि जब रोजगार नहीं है तो क्राइम बढ़ता है, हाँ, और क्राइम बढ़ेगा तो हमें फ्रीडम कहाँ मिलेगी? हम आते सोचेंगे फैमिली के साथ ऐसा ना हो जाए, लूट हो जाए, मोबाइल निकल जाए, यार ये तुम्हारा जो है जेब ना कट जाए। लेकिन सरकार का तो ये बहुत बड़ा एक दावा है कि हमारे शासनकाल में 10 सालों में जो ये बदमाशियां हैं, जो गुंडई है, वो बिल्कुल ना के बराबर होता है।
ना उतनी ही बढ़ती है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। अगर मैं अपने बेटे को लॉलीपॉप बना करूंगा ना, वो खाएगी खाएगी, और अगर उसे मैं 10 दे दूंगा वो एक भी नहीं खाएगी। ये तो मतलब नौजवान सी बात है, जब उसका आगे 10 रख दो तो घर की मुर्गे दार बराबर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप घट रही है, और बढ़ रही है जितना उसे दिखाया जा रहा है ठीक कि भाई खत्म हो गई। हरिद्वार में जहाँ से आप आते हैं वहाँ क्या माहौल है, किसे प्रधानमंत्री बनाने की लोग सोच रहे हैं? वहाँ पे हरिद्वार का माहौल बहुत अच्छा था, ऐसा था कि मतलब मैं बता नहीं सकते थे, लोग सोचते थे वहाँ भी हरिद्वार रहते हैं, मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं नहीं रहते, ये सोचते हैं लोग। मगर मेरा कहना पता है क्या है, हमारी शॉप भी होती है हर की पैड़ी, मतलब वहीं पे जहाँ पे पूजा होती है वहीं पे हमारी शॉप थी। आज हम वहाँ पे नजरिया अलग देखते हैं, मतलब नजरिया का मतलब पता है कैसे, आज वो अंसारी कहते हो ना, थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अलग तो नहीं है, तो वो जो नजरिया ऐसा लगता है कि यार धनी क्या हम अलग अलग है, ये अलग है, अलग तो मुझे भी नहीं पता कि अलग क्या होता है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे बता दीजिए मैं अंसारी हूँ खान हूँ या कौन हूँ, पर अलग बताने लगे अब लोग, क्या बताया जाए। उस चीज से मतलब थोड़ा सा मैं वो लगा और गिल्टी फील होने लगा कि ऐसा क्या सोच, मतलब जैसे मैं पढ़ाई करता था हरिद्वार से बाहर रहा, अंदर भी रहा हूँ, देहरादून रहा हूँ, ऋषिकेश रहा हूँ, कभी नहीं लगा। आज घर वाले भी रोकते हैं, बाहर वाले भी, कि यार रात को नहीं निकलना, 9 बजे रोड पे नहीं जाना, कंफ्यूजन में है कि भाई ऐसा हो गया, माहौल गलत हो रहा है। तो ये जो कहते कहते ना इतना अंदर से घुस गया कि माहौल गलत ही चल रहा है, माहौल का तो हम निकल के पता लगता है क्या चल रहा है। वैसे बता रहे आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में बंद पड़ा है, ब्लॉक पड़ा, जाए तो देखा बिल्कुल क्लियर था वो क्या है। अब दिखाया जो जाता है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हुआ है, अब उसे ऐसा दिखा रहे हैं कटिंग करके। एक बात बताइए, ये तो जो बातें कही आपने वो जो आपके यहाँ का है वो कहा आपने, लेकिन एक बात बताइए अंसारी जी कि 10 साल जो रहा सरकार चली है, इसमें क्या कुछ बेहतर भी हुआ है या सिर्फ और सिर्फ सरकार नाकाम ही रही है? नहीं, बेहतर भी हुआ है। क्या क्या बेहतर हुआ है? बेहतर के बाद से मैं कहूँगा कि वाकई में माफिया लोग जो थे ना, जिसे बोलते ही माफिया थे, वो तो खत्म है, माफिया खत्म है जी भाई। और ये टुच्चे जो 2 रुपए वाले काम कर रहे हैं ना, वही लोग अभी वो जो कहते हैं ना नरोज गांडिया तो क्या करेगा, इसमें एक्टिंग करना चाहिए करेगा, डरेगा या लड़ेगा या कैसे, बस वही वाले रह गए, बस वो वाले माफिया नहीं रहे। वो खत्म हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड डोर पे काम हुआ है, मतलब सड़क पे बहुत काम हुआ है, यातायात नियमों पर काम हुआ है, काफी चीज चेंज हुई है कि भाई जो हमने सड़कें देखी थी कि दिल्ली आने में हमें लगते थे 8 घंटे 9 घंटे, आज हम दिल्ली 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये जो काम हुआ है वो हुआ है, ठीक है। भले उसके पैसे दे रहे हैं हम टोल के, 4 जगह दे रहे हैं, 8 जगह दे रहे हैं, वो अलग बात है, डजंट मैटर। पर हाँ, कहने की बात है काम तो हुआ है, 300 ले लो यार काम, मगर हमें काम दे दो हमारे वाला, तो सड़क पे काम हुआ है, सड़क पे काम जो बात है। 10 में से कितना नंबर देंगे मोदी सरकार के कार्यकाल को? 10 में से इतना तो कहूंगा कि 5 तो है, 5 देंगे बिल्कुल। 5 किस बात के काटे हैं? बात के देखिए, 5 इस बात के काटा है कि अभी भी जो मतलब कंडीशन चल रही है ना, उससे दूर हो के थोड़ा सा मतलब हमें सोच विचार करना चाहिए कि इस चीज को भी नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि जल्दी माहौल आ रहा है, जल्दी आ रहा है, मतलब जल्द का मतलब कल को खड़ी है सरकार, फिर दोबारा इलेक्शन होने वाला है, एक मिनट तो इलेक्शन दोबारा शुरू होने हैं, सब कुछ हमारे हाथ में ही है, हमें ही देना है अंगूठा लगा के। अगर हमने ये सोच लिया कि हमारे लगाने ना लगाने से फर्क है, नहीं, हमारे लगाने से वाकई में फर्क है, ये सोचना पड़ेगा कि हमें जाना है लगाना है अंगूठा। अच्छा, जो विपक्षी दल ये कहता है कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ नेता है, मुसलमानों के नेता नहीं है जी, इसको आप जायज मानते हैं इस बात को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कि मुसलमानों के नेता, मुसलमानों का कोई नेता नहीं होता, या हिंदुओं का कोई नेता नहीं होता, या मतलब सिखों का कोई नेता नहीं होता, नेता ऐसे थोड़ी चुने जाते हैं कि ये मेरा। ओवैसी को जानते हैं आप? ओवैसी को जानते हैं जी, जानते हैं, क्यों वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े नेता है मुसलमान समाज के। सारे नेता इस टाइम आप कह रहे हो माइक लेके आप भी नेता हो? नहीं नहीं, हम नेता नहीं है। बात तो ये है, हमें बनना भी नहीं है। आजकल पॉलिटिक्स आसान नहीं है, पॉलिटिक्स ना गड्ढी से होती है, तो गड्डी जिन पर सत्ता उसी पर होती है जिस पर गड्डियाँ होती हैं, तो सत्ता वही लिए बैठा जिस पर गड्डी, अब उन पर गड्डी नहीं है, अब जिन पर थी, जिनके आप नाम ले रहे हो, उनकी सत्ता नहीं आ सकती, नहीं आ सकती है। क्यों वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं, वोट दे दूं चाहे कुछ दे दूं, गड्डी से तो यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो वोटिंग से बनता है। वोटिंग से मैं दे दूंगा, आप दे देंगे, सब देंगे, जीतेंगे भी वही जो जीत देंगे, मतलब जीतेंगे किससे? पावर ऑफ अटॉर्नी पैसों से होती है, बोला तो जो सत्ता में वही जीतेगा, सत्ता होती है पैसों से, अब उन पे पैसा तो है। सत्ता में जो है वही जीतेगा, तो फिर नहीं होगे 14 में, फिर कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई? भैया 14 में क्यों नहीं जीत पाई? पहले बार तो देखता है आदमी, वो तो हो गया, लग गया छक्का पहली बॉल पे, अब नहीं लगेगा, मगर अब तो पैसे से पैसा, पैसे से पैसा बनाते चले जाओ और बिल्डिंग खड़ी करते जाओ, अब नीचे नहीं आएगा, डाउन टू अर्थ वो आदमी आता है जो नीचे से उठता है। 24 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी रखे एकदम, ओके, फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल, 101%। मतलब बनेंगे, कोई दुख की बात तो नहीं है?
तो क्या उसमें तो आचार्य भी नहीं होना चाहिए, मतलब जब है सत्ता में है पावर में है भाई, पैसे जीतना जीतना भी चाहिए जब इतना सब कुछ है, और बने भी तो क्या दिक्कत है, मजा आने चाहिए। नहीं आप कह रहे पैसा के बदले, पैसा के कारण जीतेंगे, विकास के कारण नहीं जीतेंगे। विकास के कारण में तो देखो आप, विकास के कारण भी जीत जाए या वैसे जीत जाए जीतेंगे, मगर मगर यह है कि 24 में सरकार आप वही देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, ये चाहूंगा कि मतलब प्रभाव पड़े, मगर पड़ेगा नहीं, प्रभाव पड़े हाँ, कि इससे मतलब कि देखा जाए कि भाई हम लोग भी देखें, दूसरे की शकल भी देख ले कि हाँ भाई कैसा है, मगर शकल देखने से कोई फायदा नहीं है ना, काम मेरे लिए कौन करेगा, उसके लिए तो भरोसा नहीं हो पा रहा कि मतलब मोदी जी करेंगे राहुल गांधी जी, कोई नहीं करेगा अभी फिलहाल कोई काम, मोदी जी काम नहीं किया अभी तो, जो है देख लें सिर्फ चलते रहे जिस तरह चल रहा है, जब हो जाए 24 निमट जाए फिर देखेंगे, फिर बाद में बात होगी, अच्छा फिर पता लग जाएगा हमें, चलिए 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 तो फिर आगे पता लग जाएगा, फिर हम इसे फिनिश कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए हमें, राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में बेहतर नेता किसे मानते हैं? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में, नरेंद्र मोदी में बहुत ज्यादा मतलब मैं तो मोदी जी को मानूंगा, क्योंकि उनके अंदर सेंसिबल और अच्छे पढ़े लिखे और जेन्युइनिटी और मतलब जिसे कहते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट होना चाहिए वो लुक है, उसके लिए भी एक इमेज होती है, तो प्रधानमंत्री वैसी इमेज उन मोदी जी की है, उसके अलावा किसी की नहीं है अभी फिलहाल, अभी फिलहाल जो जो मतलब जेन्युइन जो है, सकल जो है, जिसे बोलते हैं इमेज नेता वाली, वो है उतरते चढ़ते बेहतर लगता है। अंसारी जी, कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने जीवन काल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है कभी कोई बन सकता है, तो राहुल गांधी कब तक मेहनत करें और वो कब प्रधानमंत्री बन सकते हैं आपके हिसाब से? राहुल गांधी के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब कि मैं जो इतनी तो वो नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में इतना गुस्सा हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ अब हम ना मतलब वैसे ही बिजी हैं और कमजोर पैसों से भी है, तो मतलब ये है कि जो भी जीत जाए पर काम हमारा चलता रहे यार, हम खुशी से जीते रहे और इससे ज्यादा कुछ नहीं, एंजॉय अपना करते रहे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।